हेलो एवरीवन, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑफ अ बीजेटी को समझ लिया था, जिसमें हमने एक एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर को लेकर के उसकी वर्किंग और ऑपरेशन को स्टडी किया था। उसमें हमने ये देखा था कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें एमिटर से बाहर की तरफ करंट फ्लो होती है। इसी तरह से अगर हम पीएनपी वाले को बनाएंगे तो पीएनपी वाले में मेजॉरिटी चार्जेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। और क्योंकि ये जो फर्स्ट जंक्शन होता है इसको फॉरवर्ड बायसिंग पे रखा जाता है, तो यहाँ पर जो भी मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो यहाँ से रिपेल होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। अगर इसी की जगह पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो इस वाले टर्मिनल से होल रिपेल होते, होल प्रतिकर्षित होते, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी डायरेक्शन में करंट होती है। तो अगर यहाँ पर पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर होता तो हमारी करंट एमिटर से अंदर की तरफ एंटर करती हुई डायरेक्शन में होती। तो इसी से हम इसके सिंबल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी हमें बीजेटी का सिंबल बनाना हो तो हम इस तरह से तीन टर्मिनल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एमिटर, बेस, कलेक्टर। इसी तरह यहाँ पर भी है एमिटर, बेस और कलेक्टर टर्मिनल। जब हम एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो हमने अभी अभी देखा है कि यहाँ पर ई साइड से करंट बाहर की तरफ आती है, ठीक है। इसी तरह से जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें करंट एमिटर से अंदर की तरफ जाती है। तो हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे जब भी आगे हम सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे, और इस करंट के डायरेक्शन को देख करके हमें ये पता चलता है कि हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप का है या फिर पीएनपी टाइप का है। आज की वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट कंपोनेंट्स इन अ बीजेटी। बीजेटी में जो तीन टाइप की करंट्स होती है, एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीएन वाले ट्रांजिस्टर की, एनपीएन टाइप। तो हम जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एमिटर करंट होती है आईई, वो दो टाइप के आवेश वाहकों की तरफ वजह से होती है। एक होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि होल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ आईई जो होती है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बनती है, आईई इलेक्ट्रॉन्स प्लस आईई होल्स। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में पूरे ही ट्रांजिस्टर की प्रोसेस में थ्रू आउट जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनपीएन है, दो टाइप के एन है, यानी कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है आईई इलेक्ट्रॉन, ये एमिटर साइड से, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, एमिटर साइड से इलेक्ट्रॉन के होल में इंजेक्ट, ये बेस में इंजेक्ट होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। और जो ये IEH वाला कंपोनेंट है ये बेस से होल्स के एमिटर साइड में इंजेक्ट होने की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पीएनपी टाइप के ट्रांजिस्टर की बात करूँ तो वहाँ पर हमारे होल जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एमिटर करंट होती है वो IEH प्लस IE होल्स की वजह से, IE होल्स और IE इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। यहाँ पर होल्स के एमिटर से बेस की तरफ इंजेक्ट होने पर ये वाला कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है, और बेस में से माइनॉरिटी यानी इलेक्ट्रॉन के एमिटर साइड की तरफ इंजेक्ट होने पर ये वाला कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है। अब हम जानते हैं कि बेस के अंदर एक तो इसका साइज भी पतला होता है, दूसरा डोपिंग भी कम की जाती है, तो बेस का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा बहुत ही कम होगा एमिटर वाले साइड के कंट्रीब्यूशन से। तो हम ये कह सकते हैं, ये हम देख भी सकते हैं, जो बेस होगा वो हमारा कम चालक होगा यानी कंडक्शन कम करेगा, यानी कि यहाँ से होल्स के नंबर ऑफ होल्स जो इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। लेकिन हमको पता है कि एमिटर में एक तो डोपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, इस वजह से एमिटर की चालकता भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक।
ठीक है। तो उस वजह से हम ये जानते हैं कि ये वाला जो माइनॉरिटी कंपोनेंट होगा ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, और पीएनपी वाले में ये वाला जो माइनॉरिटी कंपोनेंट होगा ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आईई जो होती है नियरली इक्वल्स टू आईई इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है एनपीएन में, और यहाँ पर जो एमिटर करंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होल्स की वजह से होती है जो कि एमिटर से बेस की तरफ जाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया एमिटर करंट को। अब हम जानते हैं कि एमिटर से, पहले मैं एनपीएन की बात करूँ, तो एमिटर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बेस के अंदर आए हैं उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ रिकॉम्बिनेशन इन बेस। कुछ जो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस क्वांटिटी में जो होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा बेस में, और अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो क्या कर जाएंगे, इस वाले जंक्शन को पार करके कलेक्टर में पहुंच जाएंगे, एंटर्स इन द कलेक्टर। ठीक है, समझ में आया। यानी यहाँ पर दो प्रोसेस हो रही है, जितने भी एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ आए थे पहले जंक्शन को क्रॉस करके उसमें से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा, और अधिकतर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस दूसरे जंक्शन को पार करके कलेक्टर की तरफ पहुँच जाएंगे। ये चीज़ हम डिटेल में इसके ऑपरेशन के टाइम पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमको करंट की दो वैल्यूज़ मिलती है, जिनका होल के साथ रिकॉम्बिनेशन हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन करंट का बेस कंपोनेंट बनाते हैं यानी आईबी बनाते हैं, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को सेकंड वाले को पार करके आगे कलेक्टर में पहुंच जाते हैं वो हमारी कलेक्टर करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एमिटर करंट होती है वो आगे जाकर के दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो कि बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होती है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बेस करंट और कलेक्टर करंट का जो सम होता है वो एमिटर करंट के बराबर होता है। अब बात करते हैं कलेक्टर करंट की। तो जैसे एमिटर करंट दो भागों से मिलकर बनी हुई थी उसी तरह से हमारी कलेक्टर करंट भी दो भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। अगर मैं एनपीएन की बात करूँ तो ये हो जाएगा आईसी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी हो जाएगी आईसीओ बिकॉज ऑफ होल्स। ठीक है, इन जनरल अगर मैं इसे लिखूँ तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ आईसी मेजॉरिटी प्लस ICO माइनॉरिटी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो कलेक्टर करंट होगी वो भी दो भागों से मिलकर के बनी होगी, एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से और एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, जो कि NPN वाले में होल्स होंगे और PNP वाले में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो ICO दे रखा है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे हम कहते हैं लीकेज करंट। क्या कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं, और हिंदी में इसे हम कहते हैं क्षरण धारा। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्षरण धारा। ठीक है, ये कलेक्टर करंट की वो वैल्यू है। यहाँ पर ओ का क्या मतलब है, जब हम एमिटर सर्किट को ओपन रखें। क्या मतलब है, एमिटर सर्किट को ओपन रखें यानी कि एमिटर पर वोल्टेज कितना हो, जीरो हो, या तो हम उसको ग्राउंडेड कर दें या फिर उस पर कोई भी बैटरी ना लगाए, उस कंडीशन में कलेक्टर में से जाने वाली जो करंट होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या कहलाती है, लीकेज करंट या फिर क्षरण धारा। ठीक है, तो एक एक करके हमने सबसे पहले एमिटर करंट को समझा, फिर हमने बेस करंट की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बेस करंट प्रोड्यूस होती है वो देखा, और तीनों टाइप के करंट कंपोनेंट्स में क्या रिलेशन होता है वो देखा। उसके बाद हमने कलेक्टर करंट भी दो भागों से मिलकर के बनी हुई होती है, और इसमें जो ICO वाला कंपोनेंट है इसे हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे DC करंट गेन या धारा लाभ। अब आप जानते होंगे कि जब भी हम किसी चीज़ का कोई गेन निकालते हैं तो उसका मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या मतलब होता है, आउटपुट का इनपुट से रेशियो। यहाँ पर हम करंट का गेन निकाल रहे हैं यानी कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। इसे हम अल्फ़ा DC से डिनोट करते हैं। हमारी आउटपुट करंट कौन सी है, कलेक्टर करंट यानी
कि IC और हमारी इनपुट करंट कौन सी है, एमिटर करंट यानी कि IE। तो यहाँ पर इस केस में जो हमारा करंट गेन या धारा लाभ होता है उसे हम अल्फा DC से लिखते हैं और ये IC अपॉन IE का रेशियो होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।